प्रिय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भोजन हो तो ऐसा में। तो दोस्तों, आज के रेसिपी में मैं कमलेश आप सभी को आलू के अप्पे बनाने के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आलू के अप्पे बनाने के विधि पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो दोस्तों, आए देखते हैं आलू के अप्पे बनाने की सामग्री। यहाँ पर देखें, आलू के अप्पे बनाने के लिए सामग्री, इसके सामग्री के में सबसे पहले उड़द का दाल और कच्चा चावल को मिक्स करके आप पानी में भिगो दें। यह अगर इसे सुबह बनाने हो तो एक दिन पहले ही सुबह में भिगो के रख दें और शाम को निकाल कर इसे पेस्ट बना करके पेस्ट भी पूरी रात छोड़ दें। जैसे कि अगर आप इडली बनाते होंगे और इडली का पेस्ट जिस प्रकार से बना करके छोड़ देते हैं और सुबह में बनाते हैं, उसी तरह इसका भी पेस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले सुबह में उड़द का दाल और कच्चा चावल को मिक्स करके भिगो के रखें और इसे पेस्ट बना करके छोड़ दें। साथ में आलू का अप्पे बनाना है तो यहाँ भी आलू भी ले लेंगे। अभी यहाँ पर देखें, हम मसाले के रूप में हम लेते हैं सबसे पहले हल्दी पाउडर, इसे हम आधे चम्मच लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार लेंगे और ऑयल सरसों तेल है, इसमें सरसों तेल ले लेंगे। यहाँ पर देखें, मंगरेला अजवाइन छोटी चम्मच से, चार पांच लहसुन कलियां, अदरक, हरी मिर्च पांच से छः, प्याज एक ले लेंगे और धनिया पत्ता, ये मसाले के रूप में यूज करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखें जो चावल और उड़द का दाल पानी में डाल करके फूलने के लिए रखा था, उसे शाम को मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे। मिक्सी में जार में डाल दिया, अब इसे मिक्सी चलाएंगे। यहाँ पर देखें पेस्ट बन गया। अभी ये पेस्ट को अलग एक बर्तन में रख करके देखें, यहाँ पर डाल दिया सारे पेस्ट को। अब इस पेस्ट को पूरी रात छोड़ देंगे ताकि सॉफ्ट बने और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर देखें, इसे पूरी रात छोड़ने के बाद में सुबह में जब देखा तो इस तरह से हो जाएगा आपका, इसमें थोड़ा सा झाग जैसा हो जाएगा। अब इसे बनाएंगे तो सॉफ्ट बनेगा। अभी आगे करवाई देखते हैं। यहाँ पर देखें, जो कच्चा आलू लिया था इसे अभी बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए पता है, इसे बॉयल करेंगे पहले। यहाँ पर देखें, बॉयल आलू कर लिया और जो भी मसाले लिए थे जैसे प्याज, हरा मिर्च, धनिया, अदरक, सभी को बारीक काट लिया। अभी यहाँ गैस पे बॉयल को एक गरम कर लिया और उसमें सरसों तेल डाल लिया। तेल ज़्यादा ना दें, कम ही रखें, फिर तेल को गरम होने देते हैं एक से दो मिनट। आप देखें तेल गरम हो गया, उसके अंदर थोड़ी सी जीरा डालिए और इसे तलने देते हैं, पकने देते हैं। अब इसके बीच में कटा हुआ हरा मिर्च और अदरक को डालें, इसे पटपटाने दें, इसे तलते हैं, इसे थोड़ा चला लें इस तरह से जब ब्राउन हो जाए तो इसके बीच में कटा हुआ प्याज को डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। थोड़ी देर पकने देंगे और इसके बीच जो बॉयल आलू है उसे इसमें डाल देंगे और इसमें मिक्स करेंगे और इस तरह से उसे काट देंगे। जैसे कि पहले अगर आप
फ्राई भरता बनाए होंगे उसी तरह से प्याज भी बनाना है। इस तरह से मिक्स करते रहें और पकाते रहें। अब इसके बीच नमक डाल लेते हैं आधा चम्मच के लगभग स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर क्योंकि पहले हरा मिर्च ज़्यादा रखे थे, उसके अनुसार ये भी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। यहाँ पर देखें जो भी मसाला डाला था पक गया, अब इसे गैस बंद करके उतार देंगे। अब इसके बीच में मंगरेला अजवाइन और जो हरा धनिया पत्ता था उसे इसमें डाल दें, इसे मिक्स कर लें और इसे किसी बर्तन के सहारे जैसे यहाँ पर हम ग्लास से इसे अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। देखें बिल्कुल बारीक हो गया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखें इस तरह से हो गया, जैसे पहले बताया था मैंने फ्राई भर कर, जस्ट उसी तरह से यह मसाला तैयार हो गया। अब इसे 5 मिनट ठंडा होने देंगे। यहाँ पर देखें जो आलू का मसाला बनाया था उसे इस तरह से गोली बना लेंगे, इस तरह से गोली बना लेंगे, छोटा छोटा गोली बनाएं, लेकर इसे गोली बनाएं। अगर हाथ में चिपकता है तो हाथ में तेल भी लगा सकते हैं थोड़ा सा, ताकि हाथ में चिपके नहीं और गोली भी चिकना बने। इस तरह से बनाते जाएं। यहाँ पर देखें ये अप्पे बनाने वाले बर्तन है, अप्पे बनाने के तावे भी बोल सकते हैं। इसे गैस जला करके गैस पर रख दिया और इसे गर्म होने देते हैं, जो पानी है वो सूख जाएगा, इसे गर्म होने देते हैं। यहाँ पर देखें गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद सारे में सरसों तेल हल्का हल्का लगा देंगे, ताकि जो चावल और दाल का पेस्ट इसमें डालें तो चिपके नहीं। अब इसके अंदर जो इसके हम पेस्ट डालेंगे, इस तरह से पेस्ट डाल लेंगे सारे में। पेस्ट डालने के बाद में सभी के बीच में जो आलू का गोला बनाया था, आलू का गोली, इसके बीच में डाल देंगे इस तरह से, और फिर से इसके ऊपर हम पेस्ट को डालेंगे। इस तरह से पेस्ट डाल करके जो आलू का गोली है उसे ढक देंगे। इतना पेस्ट डालेंगे ताकि आलू का जो गोली बना रखे वो अच्छी तरह से ढक जाए। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी इसके बीच आलू का गोली डाला था अच्छी तरह से ढक गया है, और इसे जो है से कि पकने देंगे, ढक्कन से ढक देंगे। अब यहाँ पर देखें ढक्कन हटा दिया है। ढक्कन हटाने के बाद में इसे हम भी दूसरे साइड पलट के पकाएंगे। बिल्कुल पक गया है, अब इसे पलट लें। इस तरह से पलटें, देखें इस साइड में ब्राउन कलर का हो गया है। अब दूसरे साइड भी इसी तरह से पकाएंगे। अभी देखें दूसरे साइड भी पलट लेते हैं, देखते हैं पका है कि नहीं पका है। देखें इस तरह से पलट ले, देखें इस तरह भी ब्राउन कलर का हो गया। गैस का हीट कम ही रखेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से देखें दोनों साइड पका लिए। अभी यहाँ पर अपना आलू का अप्पो जैसे तैयार हो गया है, अब इसे हल्का हल्का ऊपर तेल डाल लेंगे। इस तरह से यहाँ तक अपना आलू का अप्पो बन करके तैयार हो गया।
इसे आप मूंगफली के चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अभी यहाँ पर आलू का आपको बनाना फिनिश होता है। आपने देखा किस तरह से मैंने आलू का आपको बनाने के लिए आप लोगों को बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा इस तरह के बनाए गए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो ओके दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक्स।